राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त यहां एमएस स्टेडियम जम्मू में मौजूद हूं मैं और आप देख सकते हैं यहां एक टूर्नामेंट चल रही है। ये 34th J&K मैन एंड वुमेन चैम्पियनशिप वॉलीबॉल चैम्पियनशिप जो ऑर्गेनाइज़ की है जम्मू एंड कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन ने यहाँ पर एम एस स्टेडियम में। इसका जो आज है यहाँ फाइनल होना है और फाइनल का मैच जो है वो जारी है इस वक्त। इससे पहले भी एक दो मैच हो चुका और अभी बाकी होने। आज यहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट आए श्री आर आर भटनागर जी जो यहाँ पर एडवाइज़र है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा के, यहाँ पर आज जो है वो चीफ गेस्ट जो के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं, चेयरमैन के तौर पर आए हुए हैं यहाँ पर आज। और ये जो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है जो इसका फाइनल होगा इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और इसको जो है वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 34th J&K सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप मैन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज किया है जम्मू एंड कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन ने यहाँ एमएस स्टेडियम जम्मू के अंदर। उनको ये कहना चाहता हूँ कि खेल बहुत महत्वपूर्ण है, फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे आप अपना, अपने समाज का और अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमारा ये कमिटमेंट है कि हम जो भी बच्चा खेलना चाहता है, जिस स्तर पर भी खेलना चाहता है, उसको हम पूरी फैसिलिटीज़ देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, कोचिंग देंगे और सपोर्ट देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि ये आज के हमारे बच्चे और आज के यूथ कल को केवल ना J&K का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करेंगे। भटनागर सर, इससे जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन है, CRP कैंप यहाँ पे है क्योंकि ये खेल मैदान है। बढ़िया डिफेंस यहाँ पर और इस बार आपने डिफेंस पर और खासतौर पर विनर एंड रनर अप टीम्स को हमारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा खेला। मैं इस थ्रिलिंग मैच के बाद समझता हूं कि भाषण करना या कुछ अपने विचार रखना शायद अच्छे ना लगे, परंतु हमारी एक परंपरा है, ट्रेडिशंस है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट माननीय एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K जनाब भटनागर साहब, मैडम नजरत गोल सेक्रेटरी J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, हमारे सकलेन तारिक साहब इंटरनेशनल प्लेयर और मेंबर J&K स्पोर्ट्स काउंसिल एंड अदर डिग्निटरीज ऑन द डायस जो हमारे साथ बैठे हैं, हमारे जो मैं सभी का ये जो 34वीं J&K सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप मेन एंड वुमेन इस क्लोजिंग सेरेमनी में सभी का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के इस 3 रोज़ा इवेंट में
जो वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जेएनके ने के जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल के सौजन्य से किया, उसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, 20 टीमें मेन सेक्शन में थी और 12 टीमें वुमेन सेक्शन में थी। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में शायद ये पहला मौका होगा कि हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनके उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये श्रेय जाता है हमारे सेक्टरी स्पोर्ट्स काउंसिल का और वॉलीबॉल एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स हमारे बीच बैठे हैं सरदार दलूजा साहब को, कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलीबॉल की एक यूनिट है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट करते हैं और उसके बाद स्टेट चैम्पियनशिप होता है। मैं आज के मुख्य अतिथि साहब को सिर्फ उनका ध्यान देना दिलाना चाहता हूँ कि आपने हमारा 48th यूनियन नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का शुभारंभ अपने हाथों से किया था, शुभ हाथों से, कर कमलों से, और आपकी प्रेरणा से हमारे जम्मू कश्मीर की जो टीम है यूनियन बॉयज सेक्शन में 3rd पोजीशन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल जेएनके में वाई, ये सभी आपकी शुभ हाथों का शुभारंभ आपने किया था। ये जो हमारा 48th नेशनल चैम्पियनशिप था उसका श्रेय जाता है। और आज भी हमने जम्मू और कश्मीर में कोई बैलेंस, बराबर बैलेंस रखा है। जम्मू लड़कियों की टीम में हमारा टॉप पे आया और श्रीनगर विनर में है, जम्मू बॉयज मेन सेक्शन में टॉप पे है और अनंतनाग हमारा रनर अप। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वॉलीबॉल एसोसिएशन ने तकरीबन कई सैकड़ों प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। आज JKP पुलिस टीम में हमारे लोग हैं, यूथ सर्विसेज में हमारे लोग हैं, कई डिपार्टमेंट्स में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में कोचेज, रेफरीज, और ये जो 3 रोज़ा मेला था इसमें 66 मैचेस करवाए गए और इसका श्रेय जाता है हमारे कोचेज, रेफरीज, जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज रेफरीज हैं, उन्होंने 3 दिन रात कार्यक्रम किया। और ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम जो है 2 दिन रात 7, 8, 10 बजे तक चलता रहा। इसके लिए मैं फिर से मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि फ्लड लिट लाइट्स का अरेंजमेंट हुआ था। सिर्फ हमें जो अनुभव होता, अभी हमारी टीम गुवाहाटी में गई थी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कोचेस और इंडोर स्टेडियम अगर मिलें तो मेरा ये अनुभव है कि हमारे खिलाड़ी जो है किसी भी टीम से कम नहीं। परंतु हम सोच रहे हैं, फिर भी मैडम के आगमन से स्पोर्ट्स काउंसिल का नक्शा बदला है और हम चाहते हैं और तरक्की हो। आपकी शुभकामनाएं, आपकी आशीर्वाद हमें मिलते रहें और वॉलीबॉल एसोसिएशन कोई भी इवेंट करवाने में पीछे नहीं हटता, चाहे श्रीनगर में हो, जम्मू में हो, बांडीपुर में हो। हमने क्लिनिक्स वॉलीबॉल के, रेफरीज के क्लिनिक लगाए हैं, ये उन्हीं की बदौलत ये जो रिजल्ट सब ग्राउंड में आने लगे हैं, ये सारा श्रेय जो है हमारे जो टेक्निकल लोग हैं उनको जाता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ फिर से आभार प्रकट करता हूँ आज के मुख्य अतिथि जनाब भटनागर साहब का और मैडम नुज़हत गुल जो तशरीफ लाई। मैं उनसे, मैडम से गुजारिश करूँगा वो पहले आए, 2 शब्द कहे, उसके बाद भटनागर साहब अपने विचार रखें। मैम, मैडम नुज़हत गुल, तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्लेयर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। वर्दी एडवाइजर साहब श्री आर आर भटनागर जी, ऑफिशियल्स, स्पेशली द प्रेसिडेंट वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ JNK, यहाँ पे आए हुए प्रेस से हमारे भाई साहब, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के आए हुए बच्चे, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुँचाते हैं, पार्टिसिपेशन करवाते हैं। सपोर्ट सिस्टम जो है, इकोसिस्टम को यहाँ डेवलप करने का, इसका श्रेय हम सबको जाता है, बिकॉज हम जब तक जनभागीदारी नहीं समझेंगे स्पोर्ट्स और अपने बच्चों का जो हमारा मेल है टुवर्ड्स देयर डेवलपमेंट नहीं समझेंगे तो स्पोर्ट्स JNK में आगे नहीं बढ़ेगा। मैं वॉलीबॉल पे खुसूसन ये बोलना चाहूँगी कि इनकी जो एसोसिएशन है, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एसोसिएशन, वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, चाहे हमने साउथ कश्मीर के इवेंट्स करवाए, चाहे हमने नॉर्थ कश्मीर के इवेंट्स करवाए, चाहे हमने रूरल और सेंसिटिव एरियाज़ में इनके इवेंट्स करवाए,
दे हैव डेवलप्ड ए पॉजिटिव इकोसिस्टम ऑफ वॉलीबॉल इन J&K. उसका श्रेय सब इस एसोसिएशन को जाता है, हमारा सपोर्ट रहता है. उससे ज़्यादा जहाँ पे भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोचेज की कमी है, वी ऑल ऑलवेज एज अ गवर्नमेंट हम इनके साथ रहते हैं. अभी आपने देखा होगा कि नेशनल लेवल पे इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, हमारे बच्चे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल पर सिलेक्ट हो गए. इसका जो पूरा श्रेय जाता है वॉलीबॉल एसोसिएशन को जाता है, इनकी सॉलिड वर्किंग की ओर जाता है, ऑनरेबल LG साहब को जाता है, जो हर वक्त चाहे फंडिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सपोर्ट सिस्टम हो, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं. हमारे एडवाइज़र साहब को जाता है, जो हर वक्त हर चीज़ में पेश आते हैं, और आज भी आपने देखा अपना कीमती समय निकाल के वो कम से कम इनको अहम ब्लेसिंग देने आए हैं. थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए इस इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, फ्लॉरिश करने के लिए. ऑल द बेस्ट, थैंक यू. एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर जनाब आर.आर. भटनागर साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे चंद लम्हों के लिए आए और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए चंद कलामात कहें. जनाब भटनागर साहब, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें प्लीज. नमस्कार. आज ये जो स्टेट लेवल का फाइनल था मेंस का, जो हम लोगों ने अभी देखा, वो काफ़ी रोचक था. और अच्छी बात ये थी कि इट वाज वेल कंटेस्टेड. और दूसरी अच्छी बात ये थी कि पहली बार अनंतनाग जो है वो फाइनल तक पहुंचा है. तो जब भी ऐसे बदलाव होते हैं उसका एक मतलब ये होता है कि प्रयास किया जा रहा है. नई नई टीम जब उभर के आती है, नए खिलाड़ी जब उभर के आते हैं, ये इस बात को दिखाता है कि जो हमारा सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है, उसमें प्रगति हो रही है. वो एक सिस्टम है जो कि और अच्छे प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर सकता है और अच्छी टीम्स को प्रोड्यूस कर सकता है. आप लोग सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स को और यूथ एंगेजमेंट को जो महत्व माननीय LG साहब द्वारा दिया जा रहा है, और उसी के क्रम में भारत सरकार के समर्थन से हम लोग पंचायतों से लेकर UT लेवल तक बहुत सी फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं. साथ ही हमारा प्रयास ये है कि यहाँ के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचें. तो उसके लिए भी जो कोचिंग फैसिलिटीज़ देनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं. और काफ़ी खेलों में इसके हमको अभी रिजल्ट परिणाम भी मिलने लगे हैं. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. और मैं चाहूँगा कि खेल में सभी को हम इन्वॉल्व करें. हम स्कूल्स को इन्वॉल्व करते हैं, अब हम यूनिवर्सिटीज़ को भी इन्वॉल्व करने लगे हैं. यूनिवर्सिटीज़ के बीच में भी प्रतिस्पर्धा स्टेट लेवल पे कराई जा सकती है डिफरेंट लेवल्स में. स्कूल्स के लेवल पे हम लोग कर ही रहे हैं. साथ में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, वो मिल के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रही है. और हमारा ये प्रयास है कि J&K इट शुड बिकम अ पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द कंट्री. और इसके साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास है कि हमारा J&K एक प्रिफर्ड लोकेशन बने नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स कराने की हम लोग क्षमता रखें. तो इस पहल में मैं देख रहा हूँ काफ़ी तेज़ी से प्रगति हो रही है. और मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन को मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पर ये चैम्पियनशिप्स होल्ड की है. ये ज़रूर है मेरा ऑब्जर्वेशन, और मैंने कहा भी है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल से, कि हमारे पास स्पेक्टेटर्स के लिए और जगह होनी चाहिए. जब अच्छे टूर्नामेंट्स हों, लोग आके देखेंगे तो उससे उनका उत्साह बढ़ता है, वो मोटिवेट होते हैं, और उससे जो है खेल को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है. अंत में मैं जीतने वाली टीम जम्मू को, और विमेन में कौन सी टीम जीती, जम्मू विमेन में भी जम्मू की ही टीम जीती है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. और जो रनर्स अप रहे हैं अनंतनाग मेंस में और श्रीनगर विमेन्स में,
उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले साल वो और भी मजबूती से लड़ेंगे और खिताब को भी उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी टीम्स को, उनके कोचेस को, उनके मैनेजर्स को, एसोसिएशन वाले सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खेल स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत काम आती है, फिटनेस में बहुत काम आती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जिसमें फिट इंडिया है, बहुत सी पहल ऐसी हैं जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी और मेरा सबसे ये अनुरोध है कि वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, पार्ट लें। और केवल कंपटीशन की ही ज़रूरत नहीं है, केवल कॉम्पिटिटिव होना भी ज़रूरी नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू पार्टिसिपेट। और हमको स्पोर्ट्स को ब्रॉड बेस करना है, हमारा एफर्ट हर एक चीज़ में ये हो कि मैक्सिमम लोग भाग लें स्पोर्ट्स में, चाहे जो भी उनको पसंद हो उसमें उनको फैसिलिटी मिले और जो भी खेलना चाहे ऐसा ना हो कि उसको हम वो सुविधा वो अपॉर्चुनिटी ना दे सकें कि वो खेल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मुलुकराज शर्मा क्लैपिंग करते रहिए हमारे प्लेयर्स की। नीरज चलिए, नीरज जल्दी चलिए, नीरज जी, नीरज मानिक नरगोटा, अमित शर्मा, अनिश दोत्रा, भावना शर्मा, भावना शर्मा हमारी बाइक मोशन है प्रियर मैम जो क्वालिफाई है, अनिल सपेलिया, शुभम शर्मा, सतपाल, शबकत हुसैन शाह, जगदीप सिंह, हरजोत कौर, हरजोत कौर, अशिमा महाजन, बिके रैना, इंतजार अली, मोहम्मद इफ्लाक, शबीर अहमद, जमीर हुसैन, सिदायत हुसैन, जतिंदर पाल, सतीश गुप्ता मैनेजर एम एस स्टेडियम, शेख रियाज साहब नहीं आए, अविनाश शाह साहब, अनंतनाग सेक्रेटरी अनंतनाग, मुदस्सिरदार सेक्रेटरी पुलवामा, नीलोफर हबीब सेक्रेटरी कुलगाम, गुरदेव सिंह जी सेक्रेटरी कुपवाड़ा, बिलाल अहमद इंचार्ज शोपिया, बिलाल अहमद इंचार्ज शोपिया, मदनलाल तूफान साहब प्रेसिडेंट कठुआ, बलविंदर सिंह जी सेक्रेटरी सांबा, मनमीत सिंह प्रेसिडेंट जम्मू डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन, कृष्णलाल शर्मा साहब सेक्रेटरी पुंछ वॉलीबॉल एसोसिएशन, अजय शर्मा साहब, अजय शर्मा टेबल टेनिस, और ये हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं टेबल टेनिस के रहे हुए, इसके बाद मोहम्मद तारिक इंचार्ज डेरिंग डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल। अब
इस चैंपियनशिप में जो टीमें टॉप लेवल पे आई हैं, सबसे पहले रनर अप टीम गर्ल सेक्शन में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, ₹5,000 का कैश प्राइज भी है और पिछले ट्रॉफी भी है गर्ल सेक्शन की। फेस इधर करो बेटा, फेस इधर करो ना, फेस और आओ पीछे, सिद्धू साहब आओ पीछे, नेट के पीछे, नेट के पीछे, नेट के पीछे, सिद्धू साहब आओ पीछे, आओ आओ आओ, मेडल पाए दो मैडम, मेडल पाए बेटा, ट्रॉफी ऊपर करना थोड़ी सी, थैंक यू थैंक यू। और अब इस चैंपियनशिप के वुमेन सेक्शन में चैंपियन बेटा ऊपर करना, ट्रॉफी ऊपर करना, बिना ऊपर करना, मिनट ट्रॉफी ऊपर करना, ट्रॉफी को लिफ्ट करो थोड़ा, नहीं आ रहा चेहरा, ट्रॉफी थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, थैंक यू, सानू चांस दे दे, ठीक है, ट्रॉफी थोड़ा लिफ्ट करो, थैंक यू। और इस चैंपियनशिप के आपने सब ट्रॉल होगा, आप लोग बैठ दो सारे, अब सब बैठ दो, नजर बैठ दो, नीचे नजर नीचे बैठ दो, नीचे बैठ दो, नीचे बैठ दो, अरे पीछे जा थोड़ा पीछे, आपकी हाइट बड़ी है यार, आप थोड़ा सा नीचे, थोड़ा ऊपर कर देना, ट्रॉफी थोड़ा ऊपर कर देना मैम प्लीज, थैंक यू।